हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। ओके क्लास, इन लास्ट क्लास वी स्टार्ट द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड वी स्टडी अबाउट द व्हाट इज मैटर एंड वी स्टडी अबाउट व्हाट इज मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड अबाउट प्योर सबस्टांस मिक्सचर्स एलिमेंट्स कंपाउंड्स होमोजीनियस हेटरोजीनियस मिक्सचर्स है ना। वी ऑल्सो स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सोल्यूशन होमोजीनियस सोल्यूशन हेटरोजीनियस सोल्यूशन है ना एंड ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द टिंडल इफेक्ट। ओके रजे ना, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके रजे, ए सैचुरेटेड सोल्यूशन मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन मीनिंग रजे द सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द सोल्यूशन और इज द स्पेशल टाइप ऑफ द सोल्यूशन। हाँ जी, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। मीनिंग रजे द सोल्यूशन इन विच वी कांट ऐड मोर सोल्यूट टू डिजॉल्व एट अ गिवन और एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। वो सोल्यूशन जिसमें हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और सोल्यूट अगर डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। वी कॉल दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी टर्म। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी रजे? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टांस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मीनिंग वो अमाउंट होती है किसी सबस्टांस की जिसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है किसी सबस्टांस की, कि जिसमें सोल्यूट की जितनी अमाउंट क्या है डिजॉल्व हो रही है एक प्रेजेंट टाइम पे एक स्पेसिफिक गिवन टेम्परेचर पे, वी कॉल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसमें कितनी कोई चीज़ सॉल्युबल हो रही है, मीनिंग उसमें कितना सोल्यूट सॉल्युबल हो रहा है एक गिवन टेम्परेचर पे, वो सोल्यूशन की क्या होगी रजे, सॉल्युबिलिटी होगी। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच कैन डिजॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। मीनिंग वो सोल्यूशन जिसमें अगर हम और भी सोल्यूट ऐड कर दें तो वो क्या है, डिजॉल्व कर सकता है, जितने उसकी सॉल्युबिलिटी है उससे बढ़कर वो क्या है, डिजॉल्व कर सकता है, वी कॉल दैट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके रजे, हाँ जी। नेक्स्ट रजे, वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। देखो अभी तक हमने क्या स्टडी किया था, वैसे द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन वी जस्ट स्टडी इन ब्रीफ बिकॉज दिस टॉपिक नाउ इज कट डन फ्रॉम द CBSE, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेस सो डैट यू जस्ट नो अबाउट के वट आर द टेक्निक्स फॉर द सेपरेशन। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई विल टॉक अबाउट ऑल द टेक्निक्स इन ब्रीफ। ओके, नॉर एज ए लाइक कंपाउंड मिक्सचर्स, हाउ वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। सो देर आर वेरियस टेक्निक्स टू सेपरेट द कंपाउंड एंड द मिक्सचर्स। द फर्स्ट टेक्निक डेट इज एवेपोरेशन। ओके रजे, नाउ व्हाट इज द एवेपोरेशन? हाँ जी, इफ़ वी टॉक अबाउट एवेपोरेशन रजे, इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट अ वोलाटाइल सबस्टांस। रजे, वोलाटाइल सबस्टांस क्या होता है? द वोलाटाइल सबस्टांस इज अ सबस्टांस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टांस इन विच वेपर्स कैन फॉर्म। वो सबस्टांस जिसके क्या है, वेपर्स फॉर्म हो जाए वाई हीटिंग दैम बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब भी हम उसे क्या है, देखो इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट वोलाटाइल सबस्टांस फ्रॉम अ नॉन वोलाटाइल सबस्टांस। मेरे पास एक कोई मिक्सचर है जिसमें क्या है, एक आया हुआ वोलाटाइल सोल्यूशन वोलाटाइल सबस्टांस एंड द सेकेंड वन इज नॉन वोलाटाइल सबस्टांस। रजे, देन विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन आई कैन सेपरेट और द वोलाटाइल सबस्टांस फ्रॉम द नॉन वोलाटाइल सबस्टांस। हाउ आई कैन सबस्टांस रे, बाय हीटिंग इट बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम उसे हीट करूँगी तो क्या है, उसके जो हम सकते हैं वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे एंड वी कैन सेपरेट आउट लाइक सी वाटर। ठीक है, इफ़ वी हैव टू सेपरेट आउट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर है ना, आई विल हीट द सी वाटर, वाटर कैन बी एवेपोरेटेड एंड द नेक्स्ट इफ वाटर इज एवेपोरेटेड देन श्योरली, अगर वाटर आपका एवेपोरेट हो जाएगा रजे, देन वट इज़ द रिजल्ट, द सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड। ठीक है, वी कॉल दैट एवेपोरेशन, वी कॉल दिस प्रोसेस एवेपोरेशन। ओके जी, हाँ जी। द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सबस्टांसेस इज द
द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ सबस्टांसिस इज द सब्लिमेशन राजे. सब्लिमेशन मीनिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट सब्लिमेबल सबस्टांस फ्रॉम अ नॉन सब्लिमे, और यू कैन से द सबस्टांस दैट डू नॉट अंडरगो द सब्लिमेशन प्रोसेस वी वाई हीटिंग. ठीक है राजे, नो वट इज़ द सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनी सबस्टांस कैन नॉट चेंज इन टू द लिक्विड स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन टू द फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन टू द वेपर्स चेंज इन टू द वेपर फॉर्म. ओके, द मीनिंग एनी सबस्टांस दैट डायरेक्टली चेंज इन टू द वेपर फॉर्म वी कॉल इट सब्लिमेशन. ओके राजे, द नेक्स्ट प्रोसेस इज लाइक सब्लिमेशन प्रोसेस की एक एग्जांपल दे दूँ, नेफ्थलीन वॉल्स है ना. नेफ्थलीन वॉल्स जो हम क्लोथ्स में रखते हैं ना, तो वो अपने आप ही क्या है, सब्लिमे हो जाती है. ये तो है नहीं कि अगर आपने एक बार कपड़ों में रख दी उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगी. ओके राजे, थर्ड प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन. राजे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन अगेन अ प्रोसेस, ठीक है, अगेन अ प्रोसेस टू सेपरेट मिन्यूट सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड एंड स्पर्न रैपिडली. ठीक है ना, द हैवियर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड लाइटर वंस टूवर्ड द टॉप. सेपरेशन ऑफ घी फ्रॉम द कर्ड. देखो रजे, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वैसे इसके लिए एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है. उसमें क्या होता है, जो हैवियर पार्ट होते हैं वो सेटल डन हो जाते हैं बॉटम पे, और जो लाइट पार्ट होते हैं वे टॉप पे. मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाती है हमारे पास क्या है, जो सेपरेशन के लिए. सो वी यूज़ दिस प्रोसेस फॉर द डिफरेंट डेंसिटी लिक्विड्स. ठीक है, जिनकी क्या है, जो डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कर्ड और घी. कर्ड क्या है, हैवी होता है, वो नीचे रह जाता है. घी क्या है, हम ऊपर से क्या है, उसे सेपरेट कर सकते हैं ईजिली. ओके रह जाए, मीनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें मन्यूट लिक्विड में, उसे हम क्या है ईजिली क्या है डिफरेंट कर सकते हैं बाई सेंट्रीफ्यूगेशन. हाँ जी राजे, नेक्स्ट सेपरेटिंग फनल. जे फनल हमारी लैब में भी प्रेजेंट है, आप लोगों ने देखी होगी ना. सेपरेटिंग फनल मीनिंग राजे, इट इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. राजे मिजिबल लिक्विड क्या होता है, जो बिल्कुल मिक्स नहीं होते. लाइक मैं वाटर में ऑयल ऐड कर दूँ ना, तो ऑयल की एक ऊपर लेयर बन जाती है उसके, ठीक है, वाटर की नीचे लेयर बन जाएगी, ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करेगा. मीनिंग डैट कैन नॉट मिक्सड, जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते. राजे सेपरेटिंग फनल में नीचे ना एक कॉक लगा होता है. तो हमारे पास जो क्या है सेपरेटिंग फनल है राजे, इसमें नीचे क्या लगा होता है, जो जो कॉक लगा हुआ है, तो जैसे ही हम इसे थोड़ा लूज़ करेंगे तो जो नीचे क्या है मटेरियल हमारा वाटर है वो नीचे आने लग जाएगा. तो फर्स्टली आई कैप्ट वन वीकर सो डैट आई कलेक्ट वाटर फ्रॉम द सेपरेटिंग फनल. एंड वेन द वाटर लेयर इज डिक्रीज एंड ऑयल स्टार्ट कमिंग, आई विल चेंज द वीकर एंड आई कैप्ट द सेकेंड वीकर बिलो द सेपरेटिंग फनल. आई विल कलेक्ट द ऑयल. मीनिंग विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल वी कैन ईजिली सेपरेट आउट द मिजिबल लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. ओके राजे, जैसे ऑयल और बटर की अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी ही है. ठीक है राजे, दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेटिंग फनल. The next process is distillation. Okay, what is distillation? It is a process to separate two miscible liquids from each other by heating them. Separating funnel में process रजे उन्हीं के लिए हो रहा है. Miscible liquid ही separating funnel में थे, इधर भी miscible liquid है, लेकिन उसमें हमने heat नहीं किया था. In distillation we heat the miscible liquid at their boiling points. वो उनका boiling point है, तब तक उन्हें heat करेंगे, followed by the condensation. Heat के बाद क्या है, एक जहाँ पे हम condenser लगा देंगे. Condenser क्या होता है रजे, जो उन्हें cooling provide करेगा. मींगे एकदम से जो वेपर बनेंगे उनके छोटे छोटे हमारे पास क्या है, वो कूल स्टेट में आ जाएंगे. मीनिंग ओके, जो वेपर थे वो कूल स्टेट में आना स्टार्ट कर देंगे. तो इससे क्या है, जो कूल स्टेट के बाद हम उसका लिक्विड एक जगह कलेक्ट कर लेंगे. ओके, डैट मीनिंग दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिलेशन प्रोसेस. एंड दिस डायग्राम आप जो आपको पहले डायग्राम शो की हुई थी, मीनिंग जो आपकी ये डायग्राम है डिस्टिलेशन, देखिए नीचे से हीट किया जा रहा है ना फनल को, जो हमने जे लिया हुआ है, उसके बाद ऊपर जो हीट होकर वेपर बन रहे हैं कंडेंसर में आ रहे हैं, क्योंकि और कहीं एंट्री ही नहीं है. तो कंडेंसर पहले ही कूल है, ठीक है, वो उन्हें क्या है कूल कर रहा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आकर नीचे हमारे वीकर में क्या है कलेक्ट हो रहे हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्टिलेशन प्रोसेस. ओके रजे,
नेक्स्ट वन इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रजे इसके लिए एक स्पेशल टाइप की जो फ्रैक्शनल होती है ना हमारे पास, ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है। इट इज़ द प्रोसेस टू सेपरेट मिजिबल सबस्टांसेस फ्रॉम ईच अदर बाय द हीटिंग दैम एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स फॉलोड बाय द कंडेंसेशन। थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट द सबस्टांसेस हैविंग डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 25 केल्विन। जैसे हमारी रिफाइनरी होती है ना, रिफाइनरी में क्या होता है रजे, जो ऑयल निकालते हैं ना उसमें बहुत तरह का होता है। देखो पेट्रोल होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैरोसिन ऑयल होता है, और LPG होती है ना, नेचुरल गैस होती है। तो उनको डिफरेंट करने के लिए एक बड़े लेवल पे क्या जो डिस्टिलेशन की जाती है, जिसमें क्या उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस होता है अबाउट 25-50 के इन बिटवीन, केल्विन के इन बिटवीन। तो उनको ईजिली क्या सेपरेट करके अलग अलग क्या है बॉइल करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। रिफाइनरी में जो हमारी जो रिफाइनरी होती है उसमें क्या है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ होती है। जैसे क्रिस्टलाइजेशन हमने पहले भी किया हुआ है 8th क्लास में। It is a process of formation of pure crystals from a substance from its super saturated solution. जैसे किसी भी substance का जो saturated solution था जिसमें हमने solute को dissolve किया है, हम उसके क्या है heat करने के बाद उसके crystals form कर सकते हैं, like copper sulfate. Crystal form करने का क्या process होता है, पहले हमने water लिया, उसमें हमने क्या H2SO डाला थोड़ा सा, after that copper sulfate add करते रहेंगे heat करने के बाद, धीरे धीरे हम जब उसे क्या है जब तक copper sulfate dissolve होता रहेगा हम उसमें add करते रहेंगे। ओके राजे, जब तक कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होता रहेगा उसमें ऐड करते रहेंगे। आफ्टर डैट 24 आवर्स के लिए मैं उसे स्टैग्नेट रख दूंगी, ऐसे ही रख दूंगी। तो 24 आवर्स के बाद मैं क्या देखूंगी, जो कॉपर सल्फेट था नीचे उसके क्या क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए राजे। क्रिस्टल्स फॉर्म होना मीनिंग वो एक शाइनिंग कलर के क्या है आपको छोटे छोटे से डॉट्स दिखेंगे। तो हम उसे ईजिली क्या है फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ओके राजे, हाँ जी। द नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी मोस्टली हम जो डाइज वगैरह होती हैं, कलर्स वगैरह होते हैं ना, इनको डिफरेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी है इसके लिए एक जार होता है हमारे पास। क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या एक जार होता है, उसमें हम क्या एक स्लाइड पे क्या उस ल्यूकड़ उस स्लाइड पे स्पेशली एक लाइन होती है वहाँ पे हम ल्यूकड़ का डॉट लगा देते हैं और इस जार में एक सॉल्यूशन डाला होता है। जब इस प्लेट को इस जार में रखते हैं तो वो कलर ऊपर तक फ्लो करता है, जो भी कलर होता है ऊपर तक फ्लो करके वहाँ पे लग जाता है, और उससे हमें क्या पता चल जाता है कि उस डाई में कौन कौन से कलर प्रेजेंट है। जैसे किसी लीफ में हमने चेक करना है क्लोरोफिल वगैरह, तो किसी लीफ में डाइस चेक करनी है, किसी डाई कलर में, किसी इंक में हमने कलर चेक करने हैं ना, तो हम उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। ओके रजे, हाँ जी। सो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है रजे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस दैट कैन सेपरेट द कंपाउंड्स आल्सो। इन दिस प्रोसेस द डायरेक्ट करंट डीसी इज पास थ्रू द सबस्टांस। रजे देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे वाटर है ना, इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है रजे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है उस स्पेशल लिक्विड में से जिसे हमने सेपरेट आउट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद क्या है वो दोनों के जो उसके आइंस होते हैं ना, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या है ब्रेक हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। विद दिस आर चैप्टर इज कंप्लीटेड रजे। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू, आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन शॉक टू मी।